नमस्कार, मैं विकास यादव, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और डॉक्टर ओ पी गर्ग साहब के क्लिनिक में बैठा हूँ अभी। और आज 2020 फरवरी 2020 में मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं 2017 में बीमार हुआ था, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके बीमारी हुई, और मुझे इससे पहले भी दो बार 2008 और 2013 में भी सेम ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। ये एक प्राणघातक बीमारी जिससे आदमी का जो है जीवन वहीं रुक जाता है, जहाँ है वहीं रुक जाता है। जब मैं आया था इस क्लिनिक में तो मैं व्हील चेयर या आप कह लीजिए स्ट्रेचर पे आया था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी वापस चल पाऊँगा या अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाऊँगा। 2017 में जब मैं डॉक्टर साहब के पास आया था, उन्होंने मेरे को काफ़ी सारे टेस्ट बताए और एमआरआई के लिए बोला। पहले टेस्ट कराए, फिर उन्होंने बोला कि कुछ मेडिसिन दी है, इसको ट्रायल लेते हैं। उसके बाद इन्होंने वापस रिव्यू के लिए बुलाया एक हफ्ते के बाद, तो फिर एमआरआई के लिए गया था। एमआरआई में देखा कि थोड़े प्रॉब्लम ज़्यादा है, मेरे एसआई जॉइंट्स दो हैं यहाँ पे, इनमें प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर सर ने एक सॉल्यूशन बताया जो इनकी डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी में पीआरपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया एज अ स्टूडेंट, एज अ बहुत सारे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा इसके बारे में, इसके रिव्यू पढ़े और लोगों के, जैसे आज मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे मैंने और लोगों के रिव्यूज़ पढ़े। मैंने उसके बाद मैंने सर को ओके किया। फिर उस पीआरपी के लिए मैंने दोनों अपने एसआई जॉइंट्स में तीन सेटिंग्स कराए, और उसके बाद एक दो महीने के बाद में उसका रिजल्ट आया। साथ में डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ मेडिसिन्स भी दी और कुछ एक्सरसाइज बताई। एक्सरसाइज में उन्होंने पूरा जो भी नॉर्मल हमारा पोस्चर्स होते हैं उन्होंने बताए, और साथ में प्राणायाम और योगा के बारे में सर ने थोड़ा गाइड किया। तो उस टाइम मैंने अपनी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट करी। 2018 फरवरी मार्च की बात है, मैं स्टार्ट करता गया और धीरे धीरे पीआरपी भी मेरा कंप्लीट हो गया और मैंने दवाई भी कंटिन्यू रखी। तो मेरा एक ही आप लोगों से ये है कि जब डॉक्टर साहब का जो मानना है कि दवाई डॉक्टर साहब देंगे, तो आप डॉक्टर ना बने, दवाई आप हमेशा अपनी चालू रहने दें। और उनके रेगुलर 3 महीने या 4 महीने में, हमेशा 4 या 5 महीने में डॉक्टर साहब के पास रेगुलर चेकअप के लिए आता था अपनी रिपोर्ट्स लेके, और डॉक्टर साहब मुझे पूरा फिजिकल एग्जामिन करते थे। और आज की डेट में मैं चल फिर सकता हूँ आसानी से। मैं अपनी सोसाइटी में मैं अपना योगा सिखाता हूँ, मैं लोग मुझे योगा गुरु के नाम से जानते हैं, और मैं काफ़ी लोग को निःशुल्क जो है निस्वार्थ भाव से हेल्प भी कर रहा हूँ। और आपको किसी को कुछ पूछना है मेरा मुझसे इस जर्नी के बारे में, तो मेरा पर्सनल कांटेक्ट मैं नीचे शेयर भी कर रहा हूँ, वो भी आप उससे मेरे से पूछ सकते हैं। बता भी दो। हाँ, मेरा नंबर कांटेक्ट नंबर है 9728210669, 9728210669। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरी एक्टिविटी जो है, आप देखेंगे पूरा पूरा हाथ एकदम फ्लो है, और पूरा मैं एकदम नीचे ऊपर साइड में पूरा पूरा स्प्लिट कर लेता हूँ, पूरा मैं हैंड स्टैंड भी कर लेता हूँ, है ना। तो आप लोग घबराए नहीं, अगर हौसला है, डॉक्टर साहब का साथ है, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। और आप किसी बायोलॉजिक्स पे भी नहीं हो? मैं किसी बायोलॉजिक्स पे नहीं हूँ। जो नॉर्मल सर ने जो दवाइयाँ दी थी, जो हर हॉस्पिटल में आपको मिलेगी सास डीएस करके, वो दवाई वही सर ने दी मुझे, और जो भी इनके 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 प्रिकॉशनरी मेडिसिन होती है कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए, वो इन्होंने सर ने मुझे बताई, और मैं उसके अकॉर्डिंग इनको फॉलो करता है। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दिए, आप डॉक्टर ना बने, बस यही नहीं। वो भी घटा दी है अभी, ओनली 500 मिलीग्राम चल रही है अभी। मैं 3 साल हो गए हैं और मैं रेगुलर चेकअप के लिए आ रहा हूँ अभी। मैं बिल्कुल फिट हूँ, फिर भी मैं आ रहा हूँ, ताकि मैं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करूँ। इवन मैं नाम भी अगर अखबार में आ गया, तो मैं उस स्वाभिमान के साथ नहीं, मैं तो एकदम डॉक्टर साहब के जो है, जैसे मंदिर में आते हैं ना, ऐसे डॉक्टर साहब के पास में इनसे अपना चेकअप कराने के लिए यहाँ पे वापस आया। धन्यवाद।